ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 91.2 ज्योतिर्गमया पंजाब यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो में। प्रोग्राम कानून और आप में आज हमारे साथ दो वार्डन्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, हॉस्टल नंबर 6 और हॉस्टल नंबर 7 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम इनसे बात कर रहे थे इनके हॉस्टल्स के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके हॉस्टल्स में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, उनकी क्या स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, और उन बच्चों को वो किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं अपने हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन की रनिंग में। मैं शुरुआत करता हूँ डॉक्टर दिनेश से। डॉक्टर दिनेश, थोड़ा बताएं हमें अपने हॉस्टल के बच्चों के बारे में, किन-किन राज्यों से वो आ रहे हैं। सर, हमारे हॉस्टल के अंदर अगर राज्यों की बात करूं मैं, तो जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये मैक्सिमम इनटेक इनसे रहती है। पर अगर जैसे यूआईटी डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे बिहार और उड़ीसा से भी बच्चे होंगे, जी यूपी से भी बच्चे होंगे, इवन महाराष्ट्र से भी बच्चे आते हैं हमारे। तो बच्चों का जो इनटेक है, बच्चे जो अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा, आप कहिए कि जैसे हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इंटेंशन है कि एक सोशल इंक्लूजन हो, तो उसके लिए हॉस्टल्स जो है वो बहुत ही अच्छी जगह, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उनका जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज होता है, पर्टिकुलरली वो एक दूसरे से जो सीखने को मिलता है, और एक दूसरे के साथ रहकर एक जो टॉलरेंस जो हम कहते हैं कि जो हमारे जो हिंद इसमें इंडिया के जो कल्चर के अंदर है, जो जी कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस का, वो भी उसमें देखने को मिलता है। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सबसे बड़ा काम तो अपने आप को डिसिप्लिन में रख कर ही एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं, और फिर उनसे टाइम टू टाइम जो है वो हमें इनटेक्स देते रहते हैं। जैसे जो हमारे बच्चे जो हैं वो अगर खाने के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो बजाय के कोई और तरीके का तौर तरीका अपनाएं, वो वार्डन्स के पास बड़े आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वार्डन्स का नंबर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, और हम 24 आवर्स फ़ोन पे भी उनके साथ अवेलेबल हैं जी किसी तरह की अगर कोई उनको मुश्किल आती है, जो भी उनको हमें भी जब ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम हॉस्टल्स के अंदर दो फंक्शंस करते हैं एनुअली, एक एनुअल फंक्शन होता है जिसके अंदर हम बच्चों का वेलकम करते हैं जो नए स्टूडेंट्स आए होते हैं, उसके बाद एक फेयरवेल फंक्शन भी होता है। वो दोनों फंक्शंस आप देखेंगे कि टोटली स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ हम जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं उनकी, और वो फाइनेंशियल हेल्प भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी पे कोई, यूनिवर्सिटी के एक्सचेकर पे ऊपर कोई बर्डन आता हो, वो सारा पैसा भी स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एनुअल तौर पर अपनी फीस के साथ, जी वही पैसा जो है वो हम उनको रिफंड करते हैं, और उससे वो अपना जो है वो सारे का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई हैं, कमेटीज़ के थ्रू भी वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी किसी मदद न करते किसी तरह हैं। जी भागीदारी उनकी रहती है। राइट। डॉक्टर विशाल, आपका तो सबसे बड़ा हॉस्टल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो जी आप हमें बताइए थोड़ा सा कि कैसे कितनी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है, और किस तरह से आप कमेटीज़ के द्वारा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं अपने हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि हॉस्टल नंबर 6 जो तेजा सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है, जी एट प्रेजेंट हमारे पास 14 स्टेट्स के बच्चे हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 40% पंजाब से हैं, 20% हरियाणा, 20% हिमाचल। इसके अलावा हमारे पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और मिजोरम से बच्चे हमारे पास यहाँ पे हैं। जी इसके अलावा हमारे पास एनआरआई रेजिडेंट्स भी हैं, जो कि ईरान और अफगानिस्तान कंट्रीज से हैं। जी और अब आप ये देखिए कि इतनी स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, सो उनका कितने अच्छे से एक जगह पे कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है। वो एक हॉस्टल लाइफ वो एन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ वो शेयर करते हैं, आइडियाज़ एक दूसरे के शेयर करते हैं, दूसरे के बारे में, दूसरी स्टेट्स के बारे में उनको जानने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें वो एक्सचेंज करते हैं। और आई थिंक हॉस्टल लाइफ में वो मतलब स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम मतलब वैसे थ्रू यू नो नॉर्मल टीचिंग हम उनको नहीं दे सकते। एब्सोल्युटली वेल सेड जी इसके अलावा हम उनको यू नो हॉस्टल में हम उनको इन्वॉल्व रखते हैं डिफरेंट कमेटीज़ में, ऑल्दो बिकॉज हम काफ़ी एक्टिविटीज़ पे वॉच रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने कहा कि हम 24 घंटे उनके साथ टच में हैं, फ़ोन पे हैं, वो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी यू नो
ऐसे सिचुएशन में वो हमें कॉल कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड या वैसे भी कोई सजेशन के लिए। और इसमें हम डिफरेंट कमेटीज़ में उनको इन्वॉल्व करवाते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें तो हर एक हॉस्टल में कैंटीन होती है और मेस होती है, तो उनकी कमेटीज़ हम स्टूडेंट्स की बनाते हैं सो दैट कि रेगुलरली वो चेक कर सकें कि खाने की क्वालिटी के बारे में, हाइजीन के बारे में, सफाई और इस तरह की सारी चीज़ें। क्योंकि वैसे तो हम भी, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि हम भी स्टूडेंट्स की मेस कैंटीन विजिट करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप रेगुलरली, यू नो, आप कभी 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार हम जाते हैं उनके साथ, इवन बैठ के खाना भी खाते हैं सो दैट कि उनको लगे कि हाँ ये हमारा घर है। और इस तरह की और कमेटीज़ भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स कमेटी हम बनाते हैं जिसमें जो भी उनको स्पोर्ट्स का सामान है या जो उसकी ज़रूरत है वो हमें बताएं और अपकीप रखें, मेंटेन करें सारी चीज़ों को। और उसके अलावा इसके वो हमारे जो हॉस्टल में हैं उनको जिम की फैसिलिटी हमने दी हुई है, तो जिम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनको देखना, उनकी और ज़रूरत या रिक्वायरमेंट के लिए हम वो कमेटी बनाते हैं। और इसके अलावा हमारी कल्चर कमेटी होती है, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि हमारे जो हॉस्टल में दो तरह के फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक फेयरवेल फंक्शन। सो वो बच्चे अपने आप ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी ज़रूरतें, उनको जिस तरह का वो प्लान कर रहे हैं वो सारा उनका अपना होता है, उस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा हमारे मेंटर कमेटी है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो उसमें रखे गए हैं सो दैट कि किसी भी जूनियर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, या यू नो कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है और घर से वो आया है और एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है और कई और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ डिस्कस करते हैं। राइट, सो वाकई ये होम अवे फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है दोनों ही हॉस्टल्स में।